Hello everyone, welcome to my YouTube channel. You are watching SP Education TV. So today we will discuss task 2 of writing, and our today topic is all over the world people watch foreign films more than locally produced films. All over the world ki sare desh mein duniya bhar mein log jo hai wo foreign films jo hai wo zyada dekhna pasand karte hain rather than locally produced film jo ki matlab Indian films hai Indian movies hai usko zyada देखना पसंद नहीं करते. Why means reasons क्या है, क्यों वो ऐसा करते हैं? Should the government provide financial support to the local film industry? क्या कि government को financial support जो है वो local film industry को provide करनी चाहिए या नहीं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने reasons पूछे हैं कि क्यों लोग पसंद करते हैं foreign films को देखना, और जो government है क्या आप चाहते हो कि government को financial जो support है वो फिल्म इंडस्ट्री को प्रोवाइड करनी चाहिए जो लोकली फिल्म इंडस्ट्री है. तो आपने अपना व्यू पॉइंट बताना है. तो यहाँ पे हम 50-50 जो कैटेगरी है उसको फॉलो करेंगे. बीपी वन में आप लिखोगे उसके रीजंस क्या है, बीपी टू में जो भी आपका ओपिनियन है रिगार्डिंग आप गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या बेनिफिट्स नहीं होंगे. सो उस हिसाब से जो भी आपका ओपिनियन होगा उसी तरह से आपने बीपी टू के पॉइंट्स जो है वो लिख देने हैं. सो हम करते हैं पहले जर्नलाइन करते हैं कि क्या लिख सकते हैं, देन आफ्टर दैट हम उसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा थीसिस कैसे लिख सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लाइन इज वॉचिंग फिल्म्स इज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड लेजर टाइम एक्टिविटी. जो वॉचिंग फिल्म है, कहने का मतलब फिल्म देखना है, वो एक तरह का सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट है, कहने का मतलब इंजॉयमेंट का एक तरीका है. एंड लेजर टाइम एक्टिविटी है, कहने का मतलब फ्री टाइम एक्टिविटी है वॉचिंग फिल्म्स देखना. वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में मासेस ऑप्ट टू व्यू हॉलीवुड मूवीज मोर इंस्टेड ऑफ रीजनल फिल्म्स. जो मासेस है, मासेस का मतलब पीपल, जो लोग हैं वो चूज करते हैं, ऑप्ट मतलब चूज करते हैं हॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखना. यहाँ पे हमने हॉलीवुड मूवीज जो है वो हमने फॉरन फिल्म के लिए यूज किया है इंस्टेड ऑफ रीजनल फिल्म. रीजनल फिल्म्स जो है वो हमने यूज किया है लोकली प्रोड्यूस फिल्म के लिए. देन उन्होंने पूछा है रीजंस क्या है, तो व्हाई उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम लिख रहे हैं दिस एसे विल पुट एंडेवर टू एग्जामिन द रीजन बिहाइंड दिस. दिस एसे कहने का मतलब इस एसे में क्या होगा, किस पे एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि उसके पीछे रीजंस क्या है. इन माई ओपिनियन, क्योंकि आपका ओपिनियन पूछा गया है, शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल फिल्म इंडस्ट्री और नॉट. सो यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा गया. इन माई परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, इन माई ओपिनियन, कुछ भी आप लिख सकते हो. गवर्निंग बॉडीज शुड इन्वेस्ट फंडिंग ऑन लोकल फिल्म इंडस्ट्री. गवर्निंग बॉडी हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को आप अथॉरिटीज भी बोल सकते हो, आप रिजीम भी बोल सकते हो, आप गवर्निंग बॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है, तो आप लॉ मेकर्स भी बोल सकते हो. तो उनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको लगता है, जैसे मैं ओपिनियन दे रही हूँ कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को है जो अपनी फंडिंग है फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करनी चाहिए. सो उससे नेक्स्ट हम बीपी वन करते हैं. टू एम्बार्क ऑन देयर आर मल्टीफेरियस रीजंस व्हाई इंडिविजुअल गेट फैसिनेटेड टुवर्ड फॉरेन फिल्म्स. यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मल्टीफेरियस कहने का मतलब होता है मैनी रीजंस हैं जो कि लोग जो है वो फैसिनेटेड है, इंटरेस्टेड है, जहाँ किसके तरफ फॉरेन फिल्म्स की तरफ जहाँ अट्रैक्टेड होते हैं, क्यों अट्रैक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे हम रीजंस डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, तो ये आप इनिशिएटर लगाओगे जब भी आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द यूजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द हॉलीवुड फिल्म. फर्स्ट रीजन क्या है, जो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हॉलीवुड फिल्म्स में. द विजुअल्स ऑफ दैट मूवीज आर ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी. कहने का मतलब है कि जो उनके विजुअल्स हैं, जो उनके वीडियोस वगैरह हैं, वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की होती हैं. टॉप नॉच का मतलब होता है सुपीरियर. ये हमारा यहाँ पे एक वोकैबुलरी वर्ड है जो हम सुपीरियर के लिए यूज करते हैं कि उनके जो विजुअल्स हैं मूवीज के वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होते हैं. ऑल द स्टंट्स इन दीज फिल्म्स आर सीन रियलिस्टिक. जितने भी स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं हॉलीवुड मूवीज में वो बिल्कुल रियल लगते हैं. ये हमारा होगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो मोर ओवर करके. जब भी सेकंड पॉइंट लिखना है तो आप कोई ना कोई इनिशिएटर कनेक्टर के तौर पे यूज करो, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस,
बिसाइड्स दिस इंस्पायर्ड ऑफ दिस कोई भी यूज कर सकते हो. इट्स एक्सेप्शनल स्टोरी लाइन्स एंड डायरेक्शन मेक इट्स कंसेप्ट यूनिक. एक्सेप्शनल का मतलब होता है कुछ हटके जो करने वाले, कहने का मतलब यूनिक डिफरेंट कुछ जो है जो उनकी स्टोरी लाइन्स होती है जहाँ जो भी जैसे उनको डायरेक्ट किया जाता है जो उनकी डायरेक्शन होती है वो उनके कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है. जबकि कहने का मतलब कि इन कंट्रास्ट दूसरी फिल्मों में क्या होता है, लोकल फिल्म स्टोरीज आर वेरी फेमिलियर एज वेल एज सिमिलर टू अनदर फिल्म्स. जो लोकल फिल्म्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होती है, कहने का मतलब जानी पहचानी सी होती है उनकी स्टोरी. और कई बार ऐसा भी होता है कि सिमिलर स्टोरी होती है जैसे दूसरी अनदर फिल्म्स की होती है. अगर देखा जाए तो बॉलीवुड मूवीज में ऐसा ही होता है कि सिमिलर स्टोरीज होती हैं, बट जो भी हॉलीवुड मूवी होती है उसका हर कंसेप्ट यूनिक होता है हर मूवी के लिए और डिफरेंट होता है. कभी भी कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती कि आगे चल के क्या होगा. सो आप ये टू पॉइंट्स इसमें एज अ रीजन लिख सकते हो कि क्यों जो हमारे लोग हैं, जो लोग हैं ज्यादातर वर्ल्ड वाइड, वो हॉलीवुड मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जो उनकी लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म है, चाहे साउथ मूवीज है तो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ज्यादातर वो फॉरेन फिल्म्स को प्रेफरेंस देते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो टू साइट एन एग्जाम्पल करके. टू साइट एन एग्जाम्पल हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए. यहाँ पे आप टू एपिटोम भी लिख सकते हो, टू एपिटोमाइज भी लिख सकते हो, टू एग्जाम्पलीफाई भी लिख सकते हो और टू साइट एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. अब एटर इज द रिनाउंड हॉलीवुड मूवी विच कम्स इन लाइम लाइट बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक स्टंट्स एंड हाई टेक वीडियो क्वालिटी. अवेटर जो है वो एक फेमस मूवी है हॉलीवुड मूवी. रिनाउंड का मतलब होता है फेमस. जो क्या है लाइमलाइट में आई थी. लाइमलाइट कहने का मतलब स्पॉटलाइट, कहने का मतलब कि दूसरों के सामने बहुत ही ज्यादा फेमस होना, आकर्षित करना दूसरों को. तो बहुत ही ज्यादा फेमस होके किसी के सामने आना वो लाइमलाइट में आई थी. क्यों लाइमलाइट में आई थी, क्योंकि उसमें जितने भी स्टंट थे वो रियलिस्टिक थे और उसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की वीडियोस जो थी वो थी, इसलिए वो लाइमलाइट में रही थी, जैसे बोलते हैं कि चर्चा में रही थी. सो अब हम बात करेंगे बीपी टू के बारे में. बीपी टू में हमने बताना है कि अगर गवर्नमेंट, जैसे हमने ओपिनियन में लिखा था हमने थीसिस में कि हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को फंडिंग इन्वेस्ट करनी चाहिए लोकल फिल्म्स पे, तो क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या जो है वो बेनिफिट्स होंगे, वो हम बीपी टू में डिस्कस करेंगे. चलिए करते हैं बीपी टू. सो वन मोर थिंग इज दैट जैसे हमने बीपी वन अभी किया है उसमें टू पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो रीजंस में आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जो लोग हैं दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट देयर कल्चर ट्रेडिशन लाइफस्टाइल एंड अबाउट देयर फैशन, कि वो क्यूरियस हैं जानने के लिए उनके फैशन के बारे में. सो इसलिए दे प्रेफर, तो वो प्रेफर करते हैं हॉलीवुड मूवीज को देखना. ये पॉइंट भी आप एक ऐड कर सकते हो एज अ रीजन अगर आप लिखना चाहो तो उनकी जगह पे. वन मोर पॉइंट है, अगर आप वो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, कोई भी टू लिखने हैं जैसे टू मैंने लिख दिए हैं, थर्ड मैंने अभी बोला है. फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो बिग कंपनीज हैं वो लंपसम मनी इन्वेस्ट करती है. लंपसम मनी कहने का मतलब कि हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा मनी. लंपसम हेफ्टी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप उसके लिए. हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, लंपसम सम ऑफ लंपसम मनी, तो वो इन्वेस्ट करती हैं और वो फिल्म्स को प्रमोट करते हैं. इतने बड़े लेवल पे उनको प्रमोट किया जाता है कि उनकी पब्लिसिटी इतनी हो जाती है कि वो स्पॉटलाइट में आ जाती है, इतनी मूवीज फेमस हो जाती हैं. जैसे जो भी उनका ट्रेलर होता है वो हर साइट्स पे दिखाया जाता है, चाहे कोई भी सोशल साइट हो, चाहे कोई भी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो, तो सभी पे दिखाया जाता है. तो इसलिए भी वो लाइमलाइट में आ जाती हैं, प्रमोट हो जाती हैं. जैसे आपको पता ही है कि जो प्रमोशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को रिनाउंड बनाने के लिए. तो वो आप दो पॉइंट में से आप ये दो पॉइंट जो है वो ऐड भी कर सकते हो, जहाँ उनकी जगह पे ये पॉइंट्स लिख भी सकते हो. सब टू यू कौन सा पॉइंट आपने यूज़ करना है. अब हम बात करते हैं सेकेंड बीपी के बारे में. जैसे सेकंड बीपी में मैंने आपको बताया था कि अपने अपना व्यू पॉइंट देना है कि आप चाहते हो कि गवर्नमेंट फंडिंग जो है इन्वेस्ट करे या नहीं, जैसे हमने बोला था कि हम चाहते हैं. तो अगर आपका व्यू पॉइंट के साथ क्वेश्चन हो तो बीपी टू की स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव के साथ. आप कनेक्टर जो इनिशिएटर जो होता है हमारा ये लगा सकते हो अगर आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया हो. तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव
गवर्नमेंट शुड ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल फिल्म इंडस्ट्री, कि उनको सपोर्ट जो है वो ऑफर करनी चाहिए. फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर वो ऑफर करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट, इट विल रेज द लेवल ऑफ लोकल फिल्म, ये उनका लेवल जो है वो बढ़ा देगी, रेज कर देगी. उनकी पब्लिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कोई भी फिल्म है जो मूवी है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, बहुत बहुत ज्यादा फेमस होगी और बहुत ही ज्यादा जो है वो अर्न करेगी. दे विल एबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और अगर जो गवर्नमेंट है उनको इन्वेस्ट करती है मनी उनपे, देन डेफिनेटली वो भी एबल होंगे कि वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यूज कर सके. रिजल्टेंटली क्या होगा कि दे विल अपील द ऑडियंस टू थिएटर्स, तो वो अपील कर सकते हैं ऑडियंस को, कहने का मतलब कि बुला सकते हैं ऑडियंस को थिएटर्स में. मोर टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू विल इंक्रीज, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियस अगर विजिटिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेस है वो भी कलेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, कहने का मतलब इनकम है जो गवर्नमेंट की, वो भी साइड बाय साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द मासेस, बिकॉज अगर देखा जाए ना तो विन विन सिचुएशन कैसे होगी. फर्स्टली तो अगर तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है, देन साइड बाय साइड क्या होगा कि इन्वेस्ट करने से लोगों को मूवीज जो है वो अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलेगी, और जो टैक्स होगा वो भी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, और जो नेशन की इकोनॉमी है वो भी बूस्ट अप हो जाएगी. तो इस वजह से क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर रही है बट साइड बाय साइड गवर्नमेंट के पास आ भी रहा है, तो बोल सकते हो कि विन विन सिचुएशन है. विन विन सिचुएशन होती है कि काम एक किया जाना और दोनों दो जानों का जब भला हो जाना, जब दो जानों का फायदा हो जाना, तो यहाँ पे लोगों का भी फायदा होगा इसके साथ और गवर्नमेंट का भी. सेकेंडली हमने यहाँ पे एक कनेक्टर के तौर पे यूज किया है, जैसे हमने फर्स्टली फर्स्ट पॉइंट के लिए यूज किया, सेकेंडली सेकेंड पॉइंट के लिए. इट विल ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है मनी लोकल फिल्म्स पे, तो ऑब्वियस है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेंगी, ऑफर मिलेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी. कैसे, एज एस्पायरिंग एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर्स हम उनको बोलते हैं हु हैव स्ट्रांग डिजायर टू डू समथिंग, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी स्ट्रांग डिजायर हो कोई काम करने की, अपना टैलेंट शो करने की, तो उनको आप एस्पायरिंग एक्टर्स भी बोल सकते हो. विल गेट प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट, या शोकेस देयर लेटेंट टैलेंट भी बोल सकते हो. तो उनको क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना टैलेंट शो करने के लिए. इवन पीपल बिहाइंड द स्क्रीन विल गेट जॉब्स, जो लोग स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, आपको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, मूवीज में नो डाउट चाहे एक्टर्स काम करते हैं स्क्रीन के पीछे भी, उसकी प्रोडक्शन यूनिट जो भी होती है उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं. तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोकल फिल्म्स जो है वो शूट होंगी, तो ऑब्वियस है कि जो बिहाइंड द स्क्रीन जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा होंगी. देयरफॉर सोर्स ऑफ अर्निंग विल इंक्रीज या विल एनहांस, तो जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. सो ये आपका होगा सेकंड पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है फंडिंग, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट्स. सो वो आप ये टूल लिख सकते हो. देन नाउ अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि कंक्लूड हम इसको कैसे करेंगे, इसमें कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. सो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं. टू रिकैप्चुलेट, रिकैप्चुलेट हम कंक्लूजन के लिए यूज कर सकते हैं, इनकी जगह पे आप लिख सकते हो टू एनकैप्सुलेट, टू क्रक्स. टू रिकैप्चुलेट, आई रीअफर्म दैट, रीअफर्म का मतलब होता है रीस्टेट, तो आप इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो आई रीअफर्म दैट, जहां आप लिख सकते हो आई रिट्रेट दैट मासेस मोस्टली प्रेफर टू सी फॉरेन फिल्म्स बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं फॉरेन फिल्म्स देखना उनके आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से. जबकि वेयर एज टू इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स, कि अगर इंक्रीज करनी है रीजनल फिल्म्स की पॉपुलैरिटी, रिजीम नीड टू इन्वेस्ट इनॉर्मस मनी. रिजीम का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को
नीड है ज्यादा से ज्यादा, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करने की लोकल फिल्म्स पे, तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हो। सो ये था हमारा आज का टास्क टू जो मैंने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप है आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे आपने पॉइंट्स जो है वो लिखनी है, कैसे अपने कनेक्टर लगाने हैं, कैसे आप वर्ड्स जो है वोकैबुलरी वर्ड लिख सकते हो, कैसे यहाँ पे टास्क रिस्पॉन्स जो है वो उस चीज़ को मेंटेन रखना है कि जो चीज़ पूछी गई है उसके हिसाब से कोहेरेंस एंड कोहेजन इसमें होना चाहिए, कि मीन्स लिंकेज होनी चाहिए आपस में आइडियाज़ की, और इंट्रो से लेकर जो कंक्लूजन तक आपस में भी लिंकेज होनी चाहिए। होप है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।